हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी मंचूरियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर के तैयार होगी। थोड़े से अलग तरीके से आज हमने इसे बनाया है, तो रेसिपी को पूरा देखिएगा और थोड़ी सी रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल पत्ता गोभी मंचूरियन। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो पत्ता गोभी लिया और इसे अच्छे से धो लिया है। हम सभी के घरों में इस तरह का ग्रेटर तो होता ही है, इसमें तीन होते हैं, बड़ा, छोटा और मीडियम। तो मैंने यहाँ पर मीडियम वाले ग्रेटर से पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि बड़े वाले से करेंगे तो पत्ता गोभी बहुत बड़े बड़े ग्रेट होंगे और छोटे वाले से करेंगे तो पत्ता गोभी बहुत सारा पानी रिलीज कर देगा, इसलिए मीडियम से ही करें। थोड़ा सा पत्ता गोभी निकाल करके एक प्लेट में रख देंगे, हम इसे बाद में यूज करेंगे। एक शिमला मिर्च लेंगे और इसे भी हम कद्दूकस करके डाल देंगे। इस तरह से जब आप शिमला मिर्च को कद्दूकस करके डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है मंचूरियन बॉल्स में। साथ में 2 इंच अदरक को भी कद्दूकस करके डालेंगे, बारीक कटे थोड़े से हरी मिर्च डालेंगे। तीखा आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। एक छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। बिल्कुल भी आप इसे स्किप ना करें, नमक स्वाद के हिसाब से। एक छोटी चम्मच सोया सॉस, 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच मैदा डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला गीला है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं। एक बॉल बना करके चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चिकना बॉल बन करके तैयार हो रहा है। ना ही तो छोटे और ना ही तो बड़े, मीडियम साइज के सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हमने। चलिए अब मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। गैस के ऊपर हमने मीडियम फ्लेम पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तभी आप इसमें एक एक करके मंचूरियन बॉल डालिएगा और थोड़ी देर के बाद आप इसे टर्न कीजिएगा, ताकि ये तेल में अच्छे से सेट हो जाए। नहीं तो सेम टाइम अगर आप इसे टर्न करेंगे ना, तो फिर ये बर्तन में चिपक जाती है। अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हल्की सी ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और लो फ्लेम पर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, इसलिए हम इसे अलटते पलटते हुए मध्यम आंच पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है बॉल के ऊपर, तो अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। बाकी बचे बॉल्स को भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। सारे बॉल्स फ्राई हो गए। चलिए मैं इसे आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितने अच्छे से कुक हो गई है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर के तैयार हुए हैं बॉल्स। बॉल्स बनकर के तैयार है, तो चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। हमने जो पत्ता गोभी साइड में रखा था उसे अब यूज करेंगे। एक प्याज लिया है और इसे लंबा लंबा थोड़े मोटे मोटे काट करके तैयार के लिए है। यहाँ पर मैंने लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च लिया है। आप चाहो तो सिर्फ हरी शिमला मिर्च से भी बना सकते हैं। 8 से 9 लहसुन की कलियों को बारीक काट करके लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च। मंचूरियन बनाने के लिए गैस के ऊपर हमने कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल रखा है। बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। 30 सेकंड के लिए इसे सॉटे करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसे भी हाई फ्लेम पर ही सॉटे करेंगे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया, तो अब हम इसमें शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही 30 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। सब्जियां हल्की सी कच्ची रहती है ना, तो क्रंची लगती है खाने में, तो बहुत ही टेस्टी लगती है मंचूरियन। 30 सेकंड हो गया है, तो अब हम इसमें सॉस डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच चिल्ली सॉस, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप में डाल रही हूँ, 2 बड़ा चम्मच सोया सॉस डालेंगे। इससे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा ही कलर आ जाता है। आप चाहो तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे और सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस में भी हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं, तो 1 बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर और 2 बड़ा चम्मच पानी अच्छे से मिक्स करके रखा है, इसे डाल देंगे।
कॉर्नफ्लोर डालते के साथ ही अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं तो अब हम इसमें जो पत्ता गोभी रखा है ना उसे डाल देंगे, साथ में नमक डालेंगे, सॉस में भी नमक होता है तो थोड़ा सा ही डालेंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, या फिर आप इसे चाहो तो स्किप कर सकते हो। आधा कप के करीब पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में देखिए बहुत अच्छे से बबल्स आने लगा, सॉस भी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। तो अब हमने जो बॉल्स बना करके रखे हैं ना उसे डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से जब आप बॉल्स को डालते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती है ना तो बॉल्स हल्की सी क्रिस्पी रहती है और धीरे धीरे करके ये सारा जो ग्रेवी है ना ये सोक कर लेगी, तो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी मंचूरियंस बॉल बन करके तैयार होगी। आपके पास अगर है तो बारीक कटे हुए थोड़ी सी हरी प्याज की पत्ती डाल दीजिएगा। गर्मा गर्म मंचूरियंस बॉल को सर्व करते हैं। ये देखिए इन्होंने ग्रेवी को सोक कर लिया है और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मंचूरियंस बॉल बन करके तैयार है पत्ता गोभी की। चलिए मैं इसे आपको काट करके भी दिखाती हूँ कि इन्होंने अंदर तक कैसे रस को एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट मंचूरियन बॉल बनकर के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरे रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।